फिल्म RRR की तुलना क्यों कर रहे हैं अक्षय की लक्ष्मी बॉम्ब से? क्या हिंदू और मुस्लिम लोगों में फिर से बढ़ेगा झगड़ा फिल्म RRR को लेकर? क्या किसी सेनानी का वाकई कोई होता है धर्म? मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बालीग्रेट स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं SS राजामौली की फिल्म RRR के बारे में। आपको बता दें कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में एक साथ बन रही बाहुबली सीरीज के निर्देशक SS राजामौली की अगली फिल्म RRR में जूनियर NTR का पहले लुक को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज हो रही है। इस फर्स्ट लुक में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जूनियर NTR के भीम अवतार में उनका एक धागे वाली गोल टोपी का लुक, जिसे देख कर लोग उनकी काफी निंदा कर रहे हैं और कई हद तक इसकी तुलना फिल्म लक्ष्मी से की जा रही है, जिसमें अक्षय के मुस्लिम नाम और हिंदू किरदार पर काफी आलोचनाएं की गई थी। अक्षय कुमार के किरदार आरिफ को लेकर मचे हंगामे के बाद ये दूसरा मौका है जब किसी मेगा बजट फिल्म का किरदार इस लुक में देखा गया। फिल्म RRR में जूनियर NTR का किरदार कैसा होगा और क्या होगा, इसे लेकर कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं। टीजर में भीम के किरदार को पेश करने के लिए इसके मेकर्स ने साउथ के दूसरे सुपरस्टार रामचरण तेजा की आवाज का सहारा लिया। फिल्म RRR के इस टीजर का शीर्षक रखा गया है रामराजू फॉर भीम। कोमुरोम भीम नामक इस किरदार का पर्दे पर अवतार काफी दमदार है। आग और पानी के बीच चलते खेल में जूनियर NTR को पहले तो बर्छे से निशाना लगाते दिखाया गया और फिर उनका किरदार एकदम से रूप बदलता है और एक विशाल हरे भरे वातावरण में पहाड़ियों के पीछे से एक कैप में नजर आता है। कोरोना संक्रमण की वजह से फिल्म RRR की शूटिंग करीब 7 महीने बंद रही। अब इस बार फिर से काम शुरू हुआ है। फिल्म की शूटिंग के लिए सारे एहतियाती इंतजाम कर भी दिए हैं। फिल्म RRR को अखिल भारतीय फिल्म की तरह बनाया जाएगा। फिल्म में दक्षिण के दो बड़े सितारे रामचरण तेजा और जूनियर NTR के साथ ही इसमें हिंदी सिनेमा के दिग्गज सितारे अजय देवगन भी नजर आएंगे। फिल्म में आलिया भट्ट की भी एक खास भूमिका नजर आ सकती है। जानकारी के मुताबिक फिल्म की शूटिंग में हुई देरी के चलते अब इस फिल्म को इस साल अक्टूबर में रिलीज किया जाएगा। फिल्म के तकरीबन हर सीन में भारी भरकम स्पेशल इफेक्ट्स का प्रयोग किया गया है और इसके लिए फिल्म मेकर्स को एक ऐसी तारीख भी चाहिए होगी जिस दिन हिंदी की कोई बड़ी फिल्म पहले से ही रिलीज होने की कतार में ना हो। तो आपको क्या लगता है, क्या कोरोना काल के चलते किसी मूवी की टक्कर फिल्म RRR से होगी? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्क्रिप्ट रिटन बाय मनीषा जैन।